नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड। मैं हूं मिहिर भट्ट, फर्स्ट ट्रेड में आपका स्वागत है। सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन और जो संकेत हैं वो कुछ हद तक मिक्स्ड हैं। यूएस मार्केट्स भले ही फ्लैट रहे लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिए जो ट्रिगर है वो कुछ हद तक डोमेस्टिक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा दीपाली मैं आपको बताता हूँ, इस पूरी सीरीज में अगर आप देखें जून में तो FIIs की तरफ से बाइंग अच्छी खासी हुई है, लेकिन यू विल बी सरप्राइज कि नेट अगर आप इनफ्लो देखेंगे तो इक्विटी में उनकी तरफ से 250 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, लेकिन डेट में उन्होंने 11,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की है। ऑब्वियसली टॉप हैवी है, मार्केट थोड़ा ऊपर के लेवल्स पर रेजिस्टेंस भी देख रहा है, तो इन सब के बीच ये आंकड़े ऐसे होंगे जिस पर नजर रहेगी बाजार की। बिल्कुल, लेकिन आज की ओपनिंग के बाद हो सकता है कि एक फ्लैट एक सॉफ्ट ओपनिंग हो, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज है वो यही इंडिकेट कर रहे हैं। अभी भी सेंसेक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 48 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है 9633 के लेवल्स पर। लेकिन आज के सेशन में नजर रहेगी फार्मा स्टॉक्स पर, जो ऑलरेडी पिछले दो हफ्तों में अच्छा मूव दिया है, अब अपने रेजिस्टेंस लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। यहां से फर्दर चले तो एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स में। नजर रखकर चले सरकारी बैंकों पर, क्योंकि आज एक अहम बैठक है सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ, वित्त मंत्री अरुण जेटली की। प्राइवेट बैंक्स वहां पर मोमेंटम ठीक ठाक है, और अभी थोड़ी देर पहले सुपरफास्ट फ्यूचर्स में हमारी जिन भी एक्सपर्ट से बातचीत हुई उनको प्राइवेट बैंक्स अच्छे लग रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं आज के सेशन में। GST पर जो 66 प्रोडक्ट्स के रेट रिवाइज हुए हैं उसका इम्पैक्ट दिखेगा। M&M, एस्कॉर्ट्स, बायोकॉन, फैग बियरिंग, NRB बियरिंग, इन स्टॉक्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। नवनीत एजुकेशन पर आप ध्यान दे सकते हैं। ये तमाम शेयर्स हैं जो कि आज बढ़कर ट्रेड कर सकते हैं। इंडिकेटिव एक्शन में 8 अंक नीचे निफ्टी 9659 के लेवल्स पर, सेंसेक्स 200 अंक ऊपर दिखा रहा है। और ऑटो स्टॉक्स पर स्पेशली आप ध्यान दीजिए, आज कई हाउसेस की रिपोर्ट भी आई है ऑटो शेयर्स पर, जहां पर टाटा मोटर्स पर स्पेशली 550 प्लस के टारगेट्स आ रहे हैं। टाटा मोटर्स पिछले सेशन में 1.5% चला भी था। रुपए की शुरुआत हुई है और एक सॉफ्ट ओपनिंग हुई है रुपए की, 64.24 पर ये फ्राइडे को क्लोज हुआ था, अभी 64.30 पर ओपन हुआ है रुपए। तो रुपए पर आप की जो ओपनिंग है वो फ्लैट विद अ नेगेटिव बायस के साथ हुई है। लेकिन हर रोज सुबह 7:30 बजे हम फास्ट मनी शो में 20 इंट्राडे कॉल्स आपको बताते हैं क्विकली, इन कॉल्स के बाद फिर से देख लेते हैं। केशवराम इंडस्ट्रीज मैंने शुरुआत की है, 153 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 146 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सी मरीन को चुना गया है 139 रुपए के टारगेट्स के लिए, 131 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अंबुजा सीमेंट 245 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 232 का स्टॉप लॉस रखकर चलने की राय आपको दी जा रही है। EPS शेयर के तौर पर जो शेयर मैंने चुना है वहां पर आप कार्बो रैंडम यूनिवर्सल में खरीदारी कर सकते हैं 309 रुपए के टारगेट्स के लिए, 298 का स्टॉप लॉस रखें। IG पेट्रो में 419 रुपए का लक्ष्य रखें, 407 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर चलने की राय आपको दी जा रही है। कैडिला हेल्थ केयर एक और खरीदारी के लिए विकल्प आपको बताया गया है, 565 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 535 का स्टॉप लॉस रखें। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में 139 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 132 का स्टॉप लॉस रखें। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1460 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 1415 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सिंडिकेट बैंक 83 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय, 78 का स्टॉप लॉस। और सुपर हिट शेयर के तौर पर मैंने वेंकटेश्वर हैचरीज को चुना है, 1450 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 1400 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर चलने की राय आपको दी जा रही है। सभी 10 शेयर खरीदारी के मैंने भी आपको बताए थे, ITC, बायोकॉन, ADF फूड्स, TIL, ये चार ऐसे स्टॉक हैं जो कि GST के ट्रिगर के दम पे चुने गए हैं। इनके लिए जो दरें हैं GST काउंसिल ने फिर से एक बार कम कर दिए, जो 66 प्रोडक्ट्स में जो GST की दरें कम की गई हैं उनमें ये जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं इनके प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। तो ITC में 314, बायोकॉन में 1045, ADF फूड्स में 309 और TIL में 374 का टारगेट लेके खरीदारी कर सकते हैं। HCL टेक आज बाय बाय खुलेगा, वो ट्रिगर है, 875 का टारगेट लेके खरीदारी करें। इसी तरह से एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर्स के लिए जो ड्यूटी कम की गई है, GST की दर कम की गई है, वो पॉजिटिव ट्रिगर है, 760 का टारगेट प्राइस होगा। एजुकेशन स्पेस से नवनीत एजुकेशन, इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर है GST के संदर्भ में, 195 का टारगेट प्राइस। सिंजिन बायोकॉन के अलावा आप नजर रख सकते हैं, 483 का टारगेट प्राइस होगा। सुजलॉन हाल फिलहाल बड़ा करेक्शन हो चुका है, 1980 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। और बतौर सुपर हिट शेयर गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, यहां पे मॉर्गन स्टैनली इंडिया फंड ने बड़ा चंक अक्वायर किया था फ्राइडे को, 827 रुपए का आज आपको इसमें टारगेट लेके चलना है, 802 रुपए के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। इस बीच देखिए जो इंडिकेटिव टिक्स में संकेत है ना उसके मुताबिक थोड़ा फ्लैट हो सकता है कि मार्केट रहे। यहाँ पर निफ्टी भी देखिए करीब 2-1 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, सेंसेक्स भी फ्लैट ही है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि 2-3 अहम जो चीज़ें हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए, एक तो ऑब्वियसली IP का डेटा जो आने वाला है वो, साथ ही आज जो बैंकर्स के साथ मीटिंग है उस पर नजर रखनी चाहिए, PSU बैंकर्स के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली की मीटिंग है, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा, द टॉकिंग पॉइंट रहेगा, वो रहेगा NPA का, कंसिडरिंग कि निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर सकता है या फिर एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को, तो इनमें से जो की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे SBI
इन स्टॉक्स का चलना भी कुछ हद तक जरूरी हो जाएगा या फिर एटलीस्ट मार्केट परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिले, ये आज के लिए अहम होगा। ये न्यूज़ फ्लो तो खैर गौरांग कोई कॉन्क्रीट पता नहीं कितना निकलेगा इससे, लेकिन जो पूरा पीएसयू बैंकिंग स्पेस है वो कितना वल्नरेबल लग रहा है आपको इस समय गौरांग? मॉर्निंग टू यू सुप्रभात। मीर आपको भी वल्नरेबल तो नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से, सेहत जो है वो आने वाले समय में दुरुस्त हो सकती है जिस तरीके के कदम सरकार, वित्त मंत्रालय, बैंक और आरबीआई उठा रही है, और उस लिहाज से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ विकल्प है जहाँ पर खरीदारी की राय है। और एक चीज़ है मीर के, जो मसला बैलेंस शीट पर है वो पिछले एक दो साल का मसला नहीं है, ये पिछले 5-10-15 सालों से जो ग्रॉस एनपीए को लेकर के, नेट एनपीए को लेकर गंभीर परिस्थिति है। अब एक बात अच्छी है कि सही दिशा में कदम उठा रहे हैं और मैं ये मानता हूँ कि इस ज़मीनी स्तर पर अमल होने के बाद सेहत और भी दुरुस्त हो सकती है बैलेंस शीट की। जी मिस्टर सेठी, आप बैंकिंग में किन स्टॉक्स पर बेट करेंगे? क्या प्राइवेट बैंक से कोई स्टॉक आप रेकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल दीपाली, जहां तक बैंकिंग स्टॉक्स का सवाल है, हो सकता है जो फॉर्म लोन वेवर की जो न्यूज आई है महाराष्ट्र में भी जो कल किया है गवर्नमेंट ने, तो उसका एक थोड़ा सा नीचर का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में देखने को मिल सकता है। बट विद इन द पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये तीनों अच्छे लगते हैं। बट मेरी आज के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से राय रहेगी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे फोकस करने की, वहां पे मुझे कोटक बैंक और दूसरा डीसीबी बैंक अच्छा लगता है। बिल्कुल, चलिए तो इस पर नजर रख सकते हैं। लेकिन जय, जिस तरह के संकेत हैं, वी आर लुकिंग एट अ फ्लैटिश ओपनिंग, फार्मा स्टॉक्स में आपकी टॉपिक कौन सी है? वेल मीर, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया था कि ग्लेनमार्क मुझे लग रहा है कि उसमें एक अच्छा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। तो अगर टॉपिक कोई रहेगी फार्मा में तो ग्लेनमार्क फार्मा में शॉर्ट टर्म एक अच्छा बाउंस बैक वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। हालांकि अपार्ट फ्रॉम ग्लेनमार्क मीर, मुझे लुपिन और वोकार्ट ये दोनों भी काफी अच्छे लग रहे हैं एज फार एज शॉर्ट टर्म इज कंसर्न्ड। जी जय, टाइटन, पीसी ज्वेलर्स या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक से कोई पिक करना चाहेंगे? स्टॉक जो जीएसटी रेट रिवीजन हुए हैं उसका इंपैक्ट दिखेगा, ज्वेलरी मेकिंग पर चार्जेस रिड्यूस हुए हैं, तो शायद ये एक्टिव रहे स्टॉक्स। आप ट्रेड कौन सा पिक करेंगे ओपनिंग के बाद जेम्स एंड ज्वेलरी से? वेल ओवरऑल अगर आप देखो दीपाली, तो इसके पहले भी एक अच्छा मूव सारे ये जेम्स एंड ज्वेलर्स रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, खास कर एफ एन ओ में टाइटन और पीसी ज्वेलर्स, उसमें एक अच्छा मूव ऑलरेडी हमें देखने मिला था। उसके बाद जो हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन देखने मिला उस लिहाज से आई थिंक यू नो टाइटन में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन चुका है। आई थिंक ऑन द लोअर साइड दिस स्टॉक हैज अ वेरी गुड सपोर्ट अराउंड द लेवल्स ऑफ 510। आई थिंक उसकी वो यू नो एज अ 510 बीइंग अ स्टॉप लॉस, यहां पे बाय रिकमेंड करना चाहूंगा। ऑन द अपसाइड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड एट लीस्ट टिल द एक्सपायरी, आई थिंक यू नो 560 तक के लेवल्स टाइटन में देखने मिल सकते हैं। एक्चुअली आप गौरांग, और इस पर मैं आपसे राय भी चाहूंगा, कल मेरी एक दो एफएमसीजी प्लेयर्स से बातचीत हो रही थी एंड अब जो नए रेट्स आए हैं ना उसमें एक जो सबसे बड़ा कंसर्न हटा है वो ये है कि जो प्रीवियस रेट्स थे उसमें एक्चुअली जो पैकेज्ड फूड था ना वो महंगा होने की आशंका थी, तो वो एक ओवरहैंग था, वो भी हटा है बिकॉज अब काफ़ी रिलीफ इसमें मिला है। जो 66 प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज जिसमें रेट रिवाइज हुआ है उसमें पैकेज फूड की कई आइटम शामिल हैं। एफएमसीजी में आपको अपसाइड और कितनी दिख रही है गौरांग? बिकॉज ये ऑलरेडी कुछ हद तक फैक्टर इन कर चुका है जो पूरा जीएसटी स्ट्रक्चर है उसे। तो पहले तो मिहिर, अनिश्चितता जब दूर हो जाती है तो बाज़ार को राहत होती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो और उस क्षेत्र से कोई भी स्टॉक्स जुड़े हो। और दूसरी तरफ अच्छी बारिश जीएसटी के ऊपर जो अनसर्टनिटी थी, अनिश्चितता थी, वो क्लियर हो गई है। बारिश अच्छी होने के कारण शायद जो लागत खर्च है उसमें थोड़ा बहुत यू नो सीमित मात्रा में खर्च होगा और मार्जिन्स बढ़ने की उम्मीद। आईटीसी, एचयूएल दो दिग्गज, इसके अलावा डाबर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इमामी, ये कुछ यू नो एफएमसीजी स्टॉक्स है जहां पर हमारी कवरेज पॉजिटिव है। जी लेकिन मिस्टर सेठी, एस्कॉर्ट्स पर क्या करेंगे? पहले का जो रेट था वो एमएनएम और एस्कॉर्ट्स जैसी कंपनियों के लिए न्यूट्रल था ट्रैक्टर कंपोनेंट पे, लेकिन अब ये रिड्यूस हुआ है तो डेफिनेटली एक एज मिलेगा। और एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक से कांस्टेंट आउट परफॉर्मर रहे भी हैं, लाइफ टाइम हाइस पर ही ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। इन लेवल्स पर आप सलाह क्या दे रहे हैं क्लाइंट्स को? पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने की या फिर कोई प्रॉफिट अभी बुक नहीं करना है, होल्ड रखे अभी भी ये स्टॉक?
देखिए दीपाली, शो में पहले भी मैंने जिक्र किया था, जो जीएसटी का आज जो पॉजिटिव अनाउंसमेंट है उसका एक मेजर बेनिफिशियरी ट्रैक्टर वाला सेगमेंट रहेगा, जहां पे M&M और स्कर्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं। फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है और थोड़े अपसाइड्स रहेंगे, तो इसलिए आज से खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बाकी अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो तो फिर थोड़ा इंतजार करें, अगर कोई कारण से बाजार में करेक्शन आता है और ये स्टॉक भी करेक्ट होता है तो उस समय लंबे अवधि के लिए इसमें खरीदारी करें। एक बार निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। जैसे हम शो से पहले 8:30 बजे भी बात कर रहे थे फास्ट फ्यूचर्स में कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है आज के लिए, कम से कम जो इंडिकेटिव टिक्स है उसमें निफ्टी बैंक करीब 80 पॉइंट नीचे है, एंड बारिंग कोटक महिंद्रा बैंक सारे ही जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं निफ्टी बैंक के एटलीस्ट वो इस समय तो नेगेटिव दिख रहे हैं। निफ्टी इटसेल्फ 21 पॉइंट नीचे यानी 9646 पर रुका है ये इंडिकेटिव टिक्स में, जबकि सेंसेक्स रुका है 36 पॉइंट नीचे। लेकिन हाँ, निफ्टी बैंक थोड़ा नेगेटिव खुल सकता है जय, करीब 80-85 पॉइंट नीचे। वी अंडरस्टैंड पिछले हफ्ते भी इसने आउट परफॉर्म किया था, इस हफ्ते भी एक्सपेक्टेड है, आपने पहले अपनी राय भी दी इस पर, लेकिन वो क्रिटिकल लेवल कौन सा होगा जिसके नीचे यू मे हैव टू रिव्यू योर व्यू? श्योर मे सी 23,400 अगर इसके नीचे बंद आता है तो ही आई थिंक एक रिवर्सल मानना चाहिए, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है तो कंसोलिडेशन ही मानना चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर आप देखें मेर तो 23,500 इस सीरीज में, यू नो फ्रॉम डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे सबसे ज्यादा एक राइटिंग देखने वाली थी कॉल फ्रंट पे, मेर वो लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी, इनफैक्ट 2-3 दिनों उसके ऊपर एक पॉजिटिव बायस के साथ क्लोज भी दिया है। सो आई थिंक दैट उसके नीचे 23,400 टेक्निकली भी एक अच्छा सपोर्ट है, एंड आई थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेरिवेटिव अगर 23,500 के नीचे बंद नहीं आता जब तक यू नो एक पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी में। हालांकि आई वुड से कि यू नो कॉशियसली, बिकॉज़ यू नो बाइंग ऑन डिप्स वुड बी एडवाइजेबल एंड नॉट ऑन राइज में, बिकॉज़ ये लेवल्स जो है ऑन द अपसाइड 23,750-800 के आसपास थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी है, तो हायर लेवल्स पे बाय करने से अच्छा ऐसा है कि यू नो इफ यू इफ समवन फाइंड्स बैंक निफ्टी अराउंड से 23,500-23,600 और मे बी अराउंड दीस लेवल्स, सो आई थिंक वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा 23,400 के स्टॉप लॉस के साथ, आई थिंक वहां पे बाय करें तो सही रहेगा। जी गौरांग, क्विकली मारुति और टाटा मोटर्स पर आपके कमेंट चाहिए। टाटा मोटर्स हालांकि आपकी बाय लिस्ट में पहले से ही शामिल रहा है, लेकिन आज कुछ जो रिपोर्ट्स आई थी वो टाटा मोटर्स में तो बाय की सलाह दे रही थी लेकिन कंफर्ट उनका नहीं दिख रहा था मारुति के साथ, 6400 तक के टारगेट्स की बात की है कुछ हाउसेस ने। वेल पहले तो अगर छोटी या मध्यम अवधि का नजरिया है तो मारुति में निवेश है, मुनाफा बांध ले, क्योंकि एक बहुत ही तेज ऊपर के तरफ के दायरे देखें, गिरावट पर अगर नई खरीदारी करनी है तो मारुति पर गिरावट पर खरीदारी की राय होगी। लेकिन हाँ, टाटा मोटर्स के लक्ष्य जो अभी सामने आ रहे हैं वो तो हमारे काफ़ी लंबे समय से है, और मैंने 550-580 तक के टारगेट टाटा मोटर्स पर काफ़ी लंबे समय पर से आपकी चैनल पर कवायद करते हुए आया हूँ, तो मैं ताजुब नहीं हूँ जो रिपोर्ट अब निकल करके आ रहे हैं टाटा मोटर्स पर, अच्छी बात है, इट ओनली रीइन्फोर्सेस आवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, चलिए कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल रहा है। एक बार कैश में जहां पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है उन स्टॉक्स को देख लेते हैं। इसमें एक तो मुथूट कैपिटल है, ये करीब 9.5% ऊपर दिख रहा है, साथ ही कुछ और भारतीय डिफेंस, इस काउंटर पर मूव देखने को मिल सकता है, और कुछ काउंटर्स में एटलस साइकिल है, ये करीब 5% ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में है, साथ ही PC ज्वेलर्स, ग्रीव फाइनेंस, टाइटन, इस पर आप नज़र रख सकते हैं, श्रीराम सिटी यूनियन, इस पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर नज़र रखी जा सकती है। अतुल लिमिटेड करीब 2.5% ऊपर, और साथ ही बायोकॉन ये करीब 1.5% ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में। बायोकॉन पर ट्रिगर भी है इनके इंसुलिन की दवाई को लेकर। बायोकॉन पर आपका व्यू क्या है गौरांग? वेल एक्सट्रीमली पॉजिटिव, और बायोसिमिलर लॉन्चेस आने वाले समय में और भी तेज हो सकते हैं, और जिस तरीके से टिप्पणी मैनेजमेंट नतीजों के पश्चात दे रहे थे, मैं मानता हूँ कि एक अच्छा खासा रन अब देखा है, एक कंसोलिडेशन अब देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा गिरावट यहाँ पर नहीं आएगी। पुराना निवेश है बने रहे, नए निवेश के लिए ये स्तर भी हम मानते हैं बुरे नहीं हैं, अगर आपको लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश करना है तो शुरुआत करें, पूरी ताकत लगा करके इस स्तर पर पैसे मत निवेश कीजिए, लेकिन हाँ टुकड़ों में हिस्सों में आप शुरुआत करें और गिरावट पर और जोड़ते जाएं। और मैं मानता हूँ कि इनकी जो मलेशिया की फैसिलिटी है वहाँ से भी कारोबार काफ़ी तीव्र गति से ऊपर जा सकता है और बैलेंस शीट पर अच्छा योगदान आ सकता है। जी बायोकॉन तो इनफैक्ट मिस्टर सिटी आपकी भी आज इंट्राडे बाय लिस्ट में शामिल है, लेकिन फार्मा से कोई और एडिशन भी करेंगे क्या इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से?
हाँ बिल्कुल दीपाली, बायोकॉन तो जो जीएसटी की दरें कम हुई है उसके लिहाज से, मुझे ट्रेडिंग के लिहाज से आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसके अलावा भी मुझे लगता है फार्मा स्टॉक्स में निचले लेवल से अच्छी रिकवरी देखी जा रही है, कुछ कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मुझे इस स्पेस में अब डॉक्टर रेड्डी करंट लेवल्स पे, फिर सन फार्मा, कडीला, सिप्ला, ग्लेनमार्क, ये सब भी अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है लंबी अवधि के लिहाज से इन सब स्टॉक्स में एक्युमुलेशन शुरू करना चाहिए। इस बीच मिड कैप स्मॉल कैप पर नजर रहेगी। पिछले पूरे हफ्ते आप देखिए जो मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट था ना, इसने एक्चुअली मार्केट के सेंटिमेंट को इंटैक्ट रखा था, क्योंकि जब जब फ्रंटलाइन इंडेक्स प्रेशर में आया भी था उस समय भी ये कुछ हद तक आउट परफॉर्म कर रहे थे, या फिर यहाँ पर एटलीस्ट जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं उस पर हमने अच्छा रुझान देखा था। आज देख लेते हैं कौन से आउट परफॉर्मर्स। 29 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स है 17,960 के लेवल पर, लेकिन इसमें बायोकॉन, कैडिला, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, क्रिसिल, स्ट्राइड, शासून, टॉरेंट फार्मा, इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक अ फार्मा इंडेक्स जिस तरह के गेनर्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही देखिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल, BEL, NCC, वोल्टास, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। और रही बात निफ्टी की, जो कि 21 पॉइंट नीचे खुलने की उम्मीद है, यानी 9650 के तो नीचे खुलेगा है, यहाँ पर खुला भी वही है, 9640 के आसपास खुला है, तो 29 पॉइंट नीचे निफ्टी खुला है, 9635 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो टॉप लूजर्स हैं एक बार देखते हैं मार्केट के या फिर निफ्टी के, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान वाले काउंटर्स हैं इसमें टाटा मोटर्स है जो कि 1.5% नीचे है, साथ ही L&T यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है, ये नेगेटिव है। टेक महिंद्रा करीब 1% नीचे है और TCS करीब 1% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। जी एंटरटेनमेंट, टाटा मोटर्स का DVR, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है। निफ्टी देखते ही देखते आधे परसेंट नीचे 9625 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स है करीब 0.5% नीचे 31,120 के लेवल पर, ये इस समय ट्रेड कर रहा है। तो वही नेगेटिव बायस जो एक्सपेक्टेड था उसी के साथ मार्केट की ओपनिंग हुई है, 9625 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक को अगर हम देखें, ये देखते ही देखते ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे इस समय 110 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक पर देखने को मिल रही है, 23,590 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टॉप लूजर है PNB विद इन निफ्टी बैंक, अगर हम देखें टॉप लूजर PNB है जो कि 1% नीचे है। फेडरल बैंक, कैनरा बैंक, ICICI, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और यस बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि करीब 0.5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो निफ्टी बैंक करीब 110 पॉइंट नीचे 23,580 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट द मिड कैप। मिड कैप में ऑलमोस्ट 0.5% की गिरावट होते हुए 65 अंक नीचे ये ट्रेड कर रहा है इस समय। तो जो फार्मा का आउट परफॉर्मेंस है उसे अगर छोड़कर आप देखें तो जो निफ्टी मिड कैप के लूजर्स हैं ना, इसमें भी कुछ एक मोमेंटम स्टॉक्स हैं, जैसे भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन ये 0.5% नीचे है, नेटको फार्मा, DCB बैंक, अपोलो, टाटा कम्युनिकेशंस, IDBI, इंडिया सीमेंट्स, अदानी पावर, ये काउंटर्स हैं जहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। वेल्समन पर अभी अभी एक ब्लॉक डील हुई है जिसमें ऑलमोस्ट 3% इक्विटी ने हाथ बदले हैं। 23 लाख शेयर्स का सौदा है 90 रुपये प्रति शेयर के दाम पर, और काउंटर करीब इस समय 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन हाँ, जो ओपनिंग ब्रेथ है मार्केट की वो इस समय शुरुआती ही टिक्स है, लेकिन जो ओपनिंग ब्रेथ है शुरुआती टिक्स में बहुत अच्छी नहीं है। देखना होगा क्या ये रिकवर करता है, बिकॉज सिमिलरली फ्राइडे को भी हमने देखा है कमज़ोर ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन एज द ट्रेडिंग प्रोग्रेस्ड मार्केट्स ने रिकवर करने की कोशिश की थी। पर ये है आपके लिए इस समय ब्रेथ मार्केट की 390 काउंटर्स भारत में, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 700 के आसपास। निफ्टी के भी सिर्फ 6 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। लीड कर रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उस पर खबर भी है जो GST रेट स्लैश हुए हैं ट्रैक्टर कॉम्पोनेंट्स पर, उसका ट्रिगर है 1% ऊपर है ये स्टॉक। टाटा स्टील, वेदांता मेटल्स, ये दोनों पॉकेट्स जो कि पॉजिटिव ओपन हुए हैं, और सुपरफास्ट फ्यूचर्स में इन दोनों पर आपको कॉल्स दी भी गई थी। औरबिंदो फार्मा 0.5% ऊपर 611 के लेवल्स पर, एक कोटक महिंद्रा बैंक पर भी एक ऑप्शनल स्ट्रेटेजी आपको बताई गई थी, 1000 की कॉल 11 रुपए पर बाय करने की सलाह थी, और स्टॉक अभी 0.5% ऊपर। इनफैक्ट पूरी बैंकिंग में कोई स्टॉक बढ़कर ट्रेड कर रहा है तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन एक बार जीएसटी से ही रिलेटेड पॉकेट्स को देख लेते हैं जहां पर पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्टेड थी। एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा के अलावा जो बाकी स्टॉक्स हैं जो ट्रैक्टर सेगमेंट में डील करते हैं, एस्कॉर्ट्स, VST टिलर्स, उनकी शुरुआत भी देख लेते हैं। M&M तो ऑलरेडी 1.25% ऊपर है, एस्कॉर्ट्स लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, आज भी 1.25% की ओपनिंग हुई है और 758 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। VST टिलर्स भी 1% से ज्यादा मजबूत 1970 के लेवल्स पर ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। स्वराज इंजन यहाँ भी 0.25% की मजबूती है। एक बार देख लेते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस को,
ज्वेलरी मेकिंग पर जो जीएसटी रेट है वो स्लैश हुआ है 5% तक, पॉजिटिव है पूरे स्पेस के लिए। पीसी ज्वेलर्स एज एक्सपेक्टेड अच्छा ओपन हुआ है, 2.25% ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है। टाइटन 2.25% की मजबूती दिखा रहा है। इसके अलावा आप देखिए गीतांजलि जेम्स करीब 5% ऊपर है। टीबीजेड यहाँ भी जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव हुई है और स्टॉक ये भी करीब 3% की बढ़त दिखा रहा है। तो पूरे जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में एक अच्छी बाइंग आज के सेशन में देखी जा रही है। बायोकॉन सनोफी को देख लेते हैं। इंसुलिन पर जीएसटी रेट डिक्रीज हुआ है और इन स्टॉक्स की शुरुआत कैसी हुई है। बायोकॉन अब 2% ऊपर 1042 के लेवल्स पर। सनोफी बेनिफिशियरी है इस खबर का। सनोफी की शुरुआत भी देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड ये था कि वहां भी जो पॉजिटिव ओपनिंग है वो पॉजिटिव हो सकती है। 1.5% ऊपर 4112 के लेवल्स पर। एक बार टिमकिन, एसकेएफ, फैक्ट बियरिंग, एनआरबी बियरिंग इन स्टॉक्स को देखते हैं। ये तमाम जीएसटी बेनिफिशरीज हैं। एक नवनीत एजुकेशन ये स्टॉक भी है। इन स्टॉक्स की भी शुरुआत है पॉजिटिव बायस के साथ हुई। टिमकिन करीब 12% ऊपर ट्रेड कर रहा है। फैक्ट बियरिंग, एनआरबी बियरिंग, क्योंकि बियरिंग पर जो जीएसटी रेट है वो डिक्रीज हुआ है और इनकी भी शुरुआत पॉजिटिव एक्सपेक्टेड थी। नवनीत एजुकेशन हालांकि करीब 1% ऊपर, अभी 0.1% ऊपर 191 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो ब्रेथ जो है मार्केट की वो नेगेटिव जरूर है, लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप में चुनिंदा जो कि खबरों की वजह से चल रहा है। जैसे कि अभी हमने एनआरबी बियरिंग की बात की, ये स्टॉक विद वॉल्यूम्स चल रहा है और यहाँ पर ऑलमोस्ट 5-6% का गेन है। तो अच्छी शुरुआत भले ही ना हुई हो, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर मूव ठीक ठाक है। डॉक्टर रेड्डीज एक और स्टॉक अब आ गया है फार्मा स्पेस से, जो कि अब बढ़कर ट्रेड कर रहा है करीब करीब 0.1% ऊपर है। बिल्कुल, लेकिन देखिए आज के लिए एक्चुअली अगर थीमेटिकली देखें ना आप ओपनिंग में, तो अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स पर। जो रिलीफ इन्हें मिली है जीएसटी के स्ट्रक्चर में ज्वेलरी मेकिंग पर, उसका सीधा इंपैक्ट इन सारे ही स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आज के ओपनिंग पर गौरांग? वेल, फिर से हम पिछले हफ्ते का जो लो करीबन 96-96.20 के आसपास बना था मिहिर, उसके करीब जा कर के वो टेस्ट करेंगे। शायद एक छोटी मोटी गिरावट है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस प्रकार से लिक्विडिटी साइडलाइन पर है मिहिर, जो बाज़ार में हर एक गिरावट पर आने की कोशिश कर रही है, ये मेरे ख्याल से सहारा मिलेगा बाज़ार को और ज़्यादा नीचे की तरफ के दायरे मुझे नहीं लग रहे। अगर आते भी है मिहिर करीबन 100 पॉइंट की गिरावट या 150 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पर, या 300-400 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स पर आने वाले समय में दिखती भी है, तब वो एक बहुत बड़ा मौका होगा। और मैं ये मानता हूँ कि 1 जुलाई अगर जीएसटी ज़मीनी स्तर पर लागू हो जाता है तो एक छोटा सा एडजस्टमेंट करेक्शन बाजार में आ सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है आज़ादी के बाद और इसको लेकर के थोड़ी बहुत एक तकलीफ का दौर छोटी अवधि का आ सकता है। वो भी एक बहुत बड़ा मौका होगा बाजार में निवेश करने के लिए। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 31,000 के ऊपर सेंसेक्स पर है, 9,600 निफ्टी का है, और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 100-200 पॉइंट की गिरावट कोई ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से परसेंटेज वाइज नहीं होगी। एंड आई बिलीव इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन्वेस्टेड एंड बाय ऑन एवरी डिप्स। जी जय, हम सुपरफास्ट फ्यूचर्स में बात भी कर रहे थे कि 40-50 अंक नीचे अगर निफ्टी ओपन होता है तो उसके बाद पोजीशंस बाय साइड पर बनाई जा सकती है। अभी आप थोड़ा और रुकेंगे या फिर ये 42 पॉइंट्स की जो वीकनेस है इसको यूज करेंगे नई पोजीशंस के लिए? आई थिंक कर सकते हैं आप दीपाली, आई थिंक 95-85 एक बहुत ही अहम लेवल है क्लोजिंग बेसिस पर भी मैं कहूँगा, बिकॉज एक प्रीवियस स्विंग लो है वहाँ पे और 9600 पे जैसे हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक ओपन इंटरेस्ट देखा गया है पुट साइड पर। तो 9600 एंड 9585 बहुत ही अहम लेवल से, जब तक उसके नीचे निपटी नहीं जाता ये दायरा, ये रेंज ये कंटिन्यू रह सकती है 97-96 की। बिल्कुल, कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जिस पर रुझान थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज काफ़ी हद तक आई थिंक मार्केट्स पॉकेट्स में ऑपरेट करेंगे, तो जहां पर अच्छा ट्रिगर होगा या फिर पॉजिटिव ट्रिगर होगा उस पर हो सकता है आपको एक अच्छा रुझान मिले। लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स को देखेंगे ना तो आई थिंक अब थोड़ा डिप्रेसिंग ही रहेगा। सेंसेक्स ऑलरेडी 130 से ज़्यादा अंकों की गिरावट देख रहा है, निफ्टी उस जोन में है जहां पर ये किसी भी समय 9600 को टेस्ट कर सकता है, 9630 के आसपास है। लेकिन अभी यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग भी बाकी है और ऊपर से फेड का रेट हाइक, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑब्वियसली कुछ हद तक प्राइस इन है मार्केट में, लेकिन उसका इम्पैक्ट किस तरफ होगा ऑन अ डे लाइक टुडे वो देखना होगा। और जैसे मैंने कहा कि एक तो बैंकर्स की मीट और साथ ही आईएपी का डेटा, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ हद तक मार्केट पर ओवरहैंग रखेंगी। अब इन सब के बीच एक बार आईटी स्टॉक्स को देखते हैं। आईटी में पिछले हफ्ते भी हमने काफ़ी ओवरहैंग देखा था, अनफॉर्चुनेटली इस हफ्ते भी एटलीस्ट जो पहला ट्रेडिंग डे है उसमें ये ओवरहैंग कुछ हद तक एक्सटेंड हो रहा है। तो इन्फोसिस, TCS ये सारे नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, HCL टेक ये भी नेगेटिव बायस में।
और यहाँ पर आई थिंक थोड़ा बहुत जो स्ट्रगल है विप्रो, इनफैक्ट देखिए 0.25% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर है विप्रो पर। जय, आपका क्या व्यू है? सी ओवरऑल मेयर, मैं कहना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स हैव शोन अ गुड रिवर्सल लास्ट ट्रेडिंग वीक में। अगर आप देखें तो जो हिसाब से एक ब्रेकआउट देखने मिला था इंडेक्स में और स्टॉक स्पेसिफिकली, वो सारे ब्रेकआउट फेल हो चुके थे। एक फॉल्स ब्रेकआउट हमें देखने मिला था और जब अब ऑन दी अपसाइड ये जो रिसेंट हाइज बने थे उसके ऊपर नहीं जाता, ओवरऑल बायस नेगेटिव ही रहेगा ये स्टॉक्स में। विप्रो की जहाँ तक बात है, मेरा ये मानना है कि ऑन दी अपसाइड ये स्टॉक में करीबन 555 के आसपास बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस बन चुका है और जब तक वो लेवल्स नहीं निकलता, आई थिंक ऑन द लोअर साइड ये स्टॉक जो हिसाब से नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, इट कैन गो इन द टेस्ट द लेवल्स ऑफ 500। इनिशियली अगर 500 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 480 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन अब देखिए मेटल स्टॉक्स को, अब टाटा स्टील इंट्राडे हाइस पर 0.25% की मजबूती दिखा रहा है, वेदांता भी 0.5% की स्ट्रेंथ के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है और ये दोनों ही कॉल्स आपको सुपरफास्ट फ्यूचर्स में बताई भी गई थी। लेकिन मेटल से ही एक और स्टॉक है जहां पर ठीक ठाक गेने या फिर कहीं कि एक शुरुआत के बाद रिकवरी दिखी है, वो है हिंडालको का, ये भी अब 0.5% ऊपर 203 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। जय, वेदांता टाटा स्टील की तो हमने पहले बातचीत की है लेकिन हिंडालको पर क्या व्यू है? 203 पर अभी ट्रेड कर रहा है, कोई पोजिशंस बनाने का स्कोप नजर आ रहा है हिंडालको में? बिल्कुल दीपाली, इनफैक्ट मेटल्स पर तो एक अच्छा रुझान देखने मिल ही रहा था लास्ट ट्रेडिंग वीक में, एक अच्छी रिकवरी देखने मिलती है और यही एक्सपेक्टेड था ये वीक में। मॉर्निंग में जैसे आपने सही कहा कि वही हमें डिस्कस किया और हिंदुस्तान जिंक भी मैंने रिकमेंड किया था। आई थिंक हिंडालको में ऑन दी अपसाइड करीबन 210 तक के लेवल्स इनिशियली देखने मिल सकते हैं। पोस्ट रिजल्ट अगर आप देखो दीपाली, तो एक अच्छा मूव ऑन दी अपसाइड देखने मिला था, वही लेवल से एक सेलिंग भी देखने या तो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिली थी। हाउएवर ऑन दी लोअर साइड दिस स्टॉक हैज अ गुड सपोर्ट अराउंड 190-192 लेवल। So, मेरा ये मानना है कि विद दैट एज अ स्टॉप लॉस इनिशियल टारगेट रहेंगे 210 के, अगर वो लेवल्स निकलते हैं देन इन दिस सीरीज इटसेल्फ 220 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। ये लेवल्स पे मेरा ये मानना है दीपली, फ्यूचर्स के साथ ही साथ अगर ऑप्शन स्ट्रेटजी भी अगर कोई इनिशिएट करता है लाइक बाइंग 200 कॉल ऑप्शंस एंड सेलिंग 210 एंड 220 कॉल ऑप्शंस, ये पुल कॉल रेशियो स्प्रेड अगर कोई इनिशिएट करता है इसका ब्रेक इवन लगभग 230 के ऊपर आएगा अप्रॉक्सिमेटली, आई थिंक इट वुड बी अ वेरी गुड स्ट्रेटजी फॉर दिस एक्सपायरी।